हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी का सीन ऐसा है कि ये एक छोटा सा लास्ट था जो ने हमें भैया एक बुक करके दिए थे। और उनको उनका एक फेसबुक पेज है जंक्स टाइम न्यूज़ के नाम से। और आपने अगली वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने हमें सम्मानित किए थे जब हम लोग जंग में एंट्री किए थे। तो वही है, उनके द्वारा ही रूम ये मिला है हम लोग को और काफ़ी अच्छे हैं। और अभी मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अभी मैं थोड़ा सा अपने प्लान के बारे में बता दूँ। अभी मैं गया था अरुणाचल प्रदेश तवांग हमने घूमा। और अपने आशा करता हूँ आप लोग वो वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देखिएगा। काफ़ी अच्छा लगा। प्लान था जाने का तेजू के रास्ते में निकलने वाला था वहाँ नागालैंड में। बट नागालैंड के तरफ में तेजू के रास्ते जाता तो उधर साइड में गाड़ी बहुत कम चलता है, तो लिफ्ट मिलने का थोड़ा सा समस्या था। तो मैं फिर से वापस जा रहा हूँ गुवाहाटी। और मैं गुवाहाटी से मैं अपना प्लान फिर से रेडी करूँगा, क्योंकि गुवाहाटी से मैं दो स्टेट में जा सकता हूँ, या नागालैंड या मेघालय की तरफ। ठीक है, तो यही दो स्टेट में से कंफर्म करना है मुझे किस में पहले एंट्री करना है। हो सकता है कि हम लोग मेघालय में फर्स्ट च्वाइस करें कि मेघालय के रास्ते से हम लोग घूमते हुए जाएँ। तो आप लोग ऐसे ही पूरा फुल वीडियो में बने रहे। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये हम लोग का रूम था, पूरा फोल्ड हमने कर दिया है और थोड़ा सा बैग टांग लिए रे भाई। और अभी करते हैं रूम को लॉक। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है हम लोग को। आगे अभी ऐसे चलते हैं। देख, सीन ऐसा है कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये भैया का छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ठीक है, दिन की शुरुआत हो रही है एक चाय से। ठीक है, चाय पीने से पूरा एकदम माइंड खुल जाता है यू नो। ये लंच आ चुका है। ये मैदे के पराठा है, ये क्या कहते हैं कि छोला है, ये अंडा है, अंडा का आमलेट। ठीक है, डेकोरेट करके इन्होंने भेजा है, काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे लोग हैं। और भैया आ चुके हैं खाना खा के, चलते हैं आप लोग से उनसे मुलाकात कराएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। लोग की ब्रेकफास्ट हो गया कम्प्लीट। और अभी क्या है कि एक टी आया है, स्पेशल टी है, ये देख सकते हैं, ये नमक का है। ये इसके बाद क्या है? ये नमक का चाय इधर स्पेशल पीते हैं लोग ना। अच्छा, इसमें नमक का चाय है, इसमें सॉल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इधर का स्पेशल चाय है, लोग पीते हैं। भैया थे जिन्होंने हमें रूम प्रोवाइड किया था, और आप लोग ने ये पहले भी देखे होंगे। और अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम सिंहपुरपा है और मैं यहाँ तवांग का रहने वाला हूँ। तो भाई, आप दोनों को देखा बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का मोटिव बहुत अच्छा है, ऐसा आप लोग जारी रखिए। और हम अभी आपका जो आगे जो आप जा रहा है उसके लिए हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। और इन भैया का एक यूट्यूब चैनल भी बनाए कल का ना, एक नया जंग टाइम्स। और एक फेसबुक पेज भी है, तो उनको जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। यहाँ का पूरा अपडेट देते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं, सारे ट्रेवलर को भी सपोर्ट करेंगे ये। हाँ, पक्का करेंगे। जिसका मोटिव अच्छा होगा उसको हम लोग फ्री होकर एकोमोडेशन भी देंगे, और साथ साथ में हम लोग जो हम लोग तरफ से जितना हो सके हम लोग मदद करेंगे। जिसका लेकिन उनका मोटिव सोशल कॉज के लिए कर रहा है उनको हम लोग जरूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। क्या सीन है कि सुबह का पहला लिफ्ट हमें भाई साहब के द्वारा मिल चुका है। आपका नाम क्या है भैया? तेजपुर। अच्छा, और भैया सीधे तेजपुर जा रहे हैं, और हमें जो यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट किया वही भाई ने हमें ये भैया से बात करके लिफ्ट दिलवाए। और अभी भैया रात को कहीं पे स्टे करना पड़ेगा तब जा पाएंगे ना भैया? अभी रात को कहीं पे स्टे करना पड़ेगा तब पहुँच पाएंगे ना? यहाँ से कितना किलोमीटर दूर होगा? 250। अभी 250 किलोमीटर जाना है यही ट्रक में भैया के साथ, और काफ़ी मज़ा आ रहा है भैया के साथ, और गाना बजा रहे हैं, हम लोग चिल कर रहे हैं। अभी का सीन ऐसा है कि आप लोग बाहर ये देख सकते हैं कैसा मौसम हो चुका है। बाहर कुछ भी नहीं दिखा देगा, चारों तरफ से फॉग लग चुके हैं। और हमने ये जब गाड़ी मिला था हम लोग को, उस टाइम पर बज रहा था
10 बजे रहे थे, 10 बजे भैया हम लोग को मिल गए थे और हम लोग को बोले कि आप लोग को चलो मैं छोड़ दूंगा, जो भैया ने मैं गाड़ी धराया था। और अभी इनके गाड़ी में हम पिछले 3 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए हैं। अभी क्या है कि इनका कोई साथी है जो कि पीछे रह चुके थे और फ्यूल वगैरह डालना था, तो वो बोले 3 घंटे तक यहीं पर थे और इनके गाड़ी में ही 3 घंटे से बैठे हैं। और अभी समय आप लोग देख सकते हैं 4:00 सॉरी अरे यार कौन तुझे बेइज्जती क्यों करा, बेइज्जती करा देते कम तुम्हें। 4:30 हो रहा है, ठीक है 4:30 हो रहा है और अभी हम लोग गाड़ी में ही है। ये बड़े भाई देख सकते हैं, पता नहीं क्या हरदम मोबाइल में लगे रहते हैं, बोलते हैं स्टोरेज स्टोरेज का दिक्कत हो रहा है इनके में, देख सकते हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और अभी मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और ठंडा तो बात तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूँ तो काफ़ी लो है, -7 डिग्री टेम्परेचर है, 7 यहाँ पे और बहुत ही ठंडा, बहुत ठंडा है। अभी मैं बाहर का कुछ सीन दिखाता हूँ आप लोग को, आगे गाड़ी का जो शीशा होता है वहाँ पे क्या सीन है अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इधर साइड में देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉग है, तब कोहरा छा चुका है। में हम लोग आनंद ले रहे हैं ये गाड़ी में और थोड़ा सा हम लोग को लेट भी हो रहा है क्योंकि हम लोग सोचते थे आज निकल जाएंगे तेजपुर तक, आज जहाँ पे हम लोग पिछले बार कैंपिंग किए थे जो नदी के किनारे वहाँ तक चल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पता नहीं आज पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, कोई ठीक नहीं है। इसी गाड़ी में 3 घंटा बस समय बर्बाद गया है, अभी कोशिश करते हैं कि जल्दी से चले जाएँ क्योंकि नदी के किनारे सोच रहे हैं कैंपिंग करें। और अभी का सीन ऐसा है कि भैया के साथ ट्रैवल हम लोग 10 घंटे कर लिए और 100 किलोमीटर अब तक आ चुके हैं आगे। और अभी क्या हम लोग आए, छोटा सा रेस्टोरेंट है इधर साइड में होटल, उसमें हम लोग आए खाना खाने के लिए। भैया ने ही ऑफर किया है कि चलो आओ हम लोग आज आपको खिलाते हैं खाना और आज खिलाएंगे वो रोटी, इसीलिए थोड़ा सा बोले हैं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं तो रोटी आप लोग के लिए ऑर्डर दिए हैं कि रोटी बन जाएगा क्योंकि इधर साइड में ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, ठीक है तो रोटी के लिए ऑर्डर दिए हैं भैया। ये हम लोग का खाना आ चुका है, ये देख सकते हैं ऐसा खाना है हम लोग का। फ्रेंड अभी बज रहा है 7:12 और भैया हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिए। भैया ये कौन सा जगह है? ये टिप्पी कमलावन, कमलावन टिप्पी में ड्रॉप कर दिए और इनके कोई साथी है उनके साथ बोले हैं कि आप वहाँ तक निकल जाइए, बॉर्डर तक जाएंगे ना भैया, बॉर्डर तक उन्होंने हमें लिफ्ट दिलवा दिया है और मिलते हैं आप लोग को जाके वहाँ पे। और देखो का सीन ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे तेजपुर से 30 किलोमीटर पीछे आ चुके हैं और अभी हम लोग जाएंगे तेजपुर, वहाँ से निकलेंगे नागालैंड के साइड में। और अभी का सीन ऐसा है कि हमने गए थे तो एक हमारा स्लीपर टूट गया था तो हमने नया स्लीपर परचेज किया हूँ और अभी मैं आप लोग को स्लीपर दिखाता हूँ, बताइए कैसा लग रहा है। ये है नया स्लीपर मैंने लिया है और उसका भी ऐसा ही है। अभी हम लोग को लिफ्ट ऐसे बात कर रहे थे तो अभी लिफ्ट मिल चुका है और ये लिफ्ट मिला एक छोटा सा टेम्पो है, टेम्पो जो नॉर्मली लोगों को ले जाने वाला होता है, इसमें हम लोग को लिफ्ट मिला है और भैया ने हमें रोका और हमने बताया कि विदाउट मनी ट्रेवलर है हम लोग, तो बोले ठीक है आ जाओ बैठ जाओ। हमको लिफ्ट मिल चुका है और सीधे तेजपुर के लिए लिफ्ट मिला है और उतरते हैं तो भैया से भी बात कराएंगे आप लोग। हेलो, यही भैया ने हमें लिफ्ट दिया था, कितने किलोमीटर का लिफ्ट दिया था भैया? ये आपका हो गया 25 किलोमीटर का भैया ने लिफ्ट दिया था और विदाउट मनी। और भैया टैक्सी चलाते हैं, आपका नाम क्या है भैया? मेरा जयंत शेख है। और हम लोग से मिलकर कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा, ठीक है हम लोग जो काम कर रहे हैं तो अच्छा लगा, अच्छा है सही है, ठीक है। हम लोग हैं तेजपुर में, कितना ज़्यादा इधर साइड में तूफान आया है बहुत बड़ा और पूरा मार्केट ही बंद हो चुका है इस समय पर, बहुत ही ख़तरनाक तूफान, ऐसा तूफान कि पूरा मार्केट ही बंद हो सकता है, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना बड़ा तूफान है यहाँ पे। और उस तूफान का सामना हम लोग कर रहे हैं, इस समय पर जाना है हम लोग को नागालैंड के लिए, अभी 2 किलोमीटर इसी तूफान में हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। लेकिन आज का दिन काफ़ी बेकार है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ धुआं धुआं पूरा दिखाई दे रहा है। फाइनली दोस्तों हम लोग को लिफ्ट मिल चुका है जोरहाट से, 50 किलोमीटर का भैया ने लिफ्ट दिया है। इनका थोड़ा सा हिंदी इधर साइड में नहीं, बहुत कम लोग यूज करते हैं तो थोड़ा सा इशू है। और आपका नाम क्या है भैया? दीपक वर्मा। आपका नाम क्या है? शिवा मंडल। बहुत अच्छा नाम है वो दोनों का। और हम
लोग तो भैया ने लिफ्ट दिया 30 किलोमीटर का, अभी हम लोग 30 किलोमीटर जाते हैं, फिर वहाँ से लेंगे अगला लिफ्ट, तब हम लोग जा पाएंगे। अभी का कुछ फेस का वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत बहुत बड़ा तूफान उड़ा था। क्या सीन ऐसा है कि जो भाई साहब ने हम लोग को लिफ्ट दिया था, उन्होंने वहीं पर अपने गाड़ी 2 घंटे से पिछले ठड़ा कर दिए थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि हमारा कुछ कागज़ पत्र में इशू है और आगे चेक इन हो रहा था, आप लोग को मैं नहीं ले जा सकता, और 2 घंटे तक हमको वहीं पर रोके थे वो। और ये भाई साहब ने अभी हमें नए लिफ्ट दिए हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम साइदुल आलम है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो असम के हैं। असम के हैं। कितने किलोमीटर का लिफ्ट दिया हमको? आपको कम से कम 20 किलोमीटर का भैया ने लिफ्ट दिया। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हम तो ऐसा मतलब कोई आदमी मुसीबत में पड़े तो हम इसको मदद करता है जरूर। इसकी लंबाई कितनी है भैया? इसकी 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर की लंबाई है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना? हाँ। काफी बड़ा। कलिया गुमरा बोलते हैं। क्या जी? कलिया गुमरा। कलिया गुमरा। हाँ हाँ। ब्रिज। ब्रिज अभी वो नया बन रहा है ना? हाँ, दूसरा नया बन रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी है और ये अभी जो आप लोग देख रहे हैं सामने, ये नया बन रहा है। ये लग रहा है कि डैमेज हो गया है क्या पुल? ये तो ब्रिटिश का बना हुआ है। अच्छा, तो ये नया बन रहा है ना? हाँ। क्या सीन ऐसा है कि ये 4 लाइन है, ये सीधे के सीधे रास्ता जाता है नागालैंड के साइड है अंकल जी? नागालैंड डिब्रूगढ़। ये रास्ता सीधे जाता है और अंकल जी का ये घर है और इन्होंने हमको ये स्पेस है जो कि अभी रहने के लिए हमको अपने बोले कि आप लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं। आपका नाम क्या है अंकल जी? दुलाल बोडले। और आप ये लोकेशन का क्या नाम है जहाँ पे? कोलियाबटिंजली। अच्छा अच्छा। नगर डिस्ट्रिक्ट का कोलियाबटिंजली। आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग जो कर रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। सारा इंडिया घुटा है, बहुत आदमी मिलता है, विभिन्न जाति जनगोष्ठी हैं, ऑल आर सेम बॉर्डर। थैंक यू। अभी क्या है सीन कि शाम का बज रहे 8 और हम लोग खाना बना रहे हैं। खाना बना रहे हैं चिकन, क्योंकि चिकन हमको बहुत दिन से मन है बनाने का, अपने हाथ को खाने का, अपने हाथों से खाने का चिकन। डाले इसमें लहसुन, ज़्यादा कुछ नहीं है, शॉर्टकट में बना रहे हैं, घर जैसा तो नहीं, पता नहीं कैसा बनेगा, बनने के बाद पता चलेगा। अभी इसमें डालते हैं प्याज, प्याज आदित ने काटा है और आदित एक बात बोले तो अभी वही कैमरा भी शूट कर रहे हैं हमारा, आप लोग को जो देखने को मिलेगा वो आदित भैया शूट कर रहे हैं। प्याज डाल के भूनने के लिए, क्योंकि इसमें एक ही हम लोग का बस यही है, इसी से चलाएँगे, इसी से खाएँगे, सब कुछ इसी में करना है। और अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आप लोग देख सकते हैं प्याज तो भून चुका है बिल्कुल अच्छे से और ये स्पून से मैं बस चला रहा हूँ, क्योंकि क्या दिक्कत मैटर ये है कि हम लोग ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते सामान और इसीलिए हम स्पून से चला रहे हैं। हमारा चिकन इस समय पर ऐसा हो चुका है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत बन चुका है। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डाला हूँ, बस एक मसाला का पैकेट डाला हूँ और हल्का सा नमक, तेल, प्याज, बस आपने देखा। और इसमें कुछ भी नहीं डाला हूँ फिर भी इतना खूबसूरत लग रहा है। और हमने हल्का सा चखा भी और काफ़ी स्वादिष्ट बना है हमारा चिकन। अभी आते हैं आदित्य भी, फिर उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है चिकन। और फाइनली हम लोग का चिकन बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो ग्रेवी है ना, वाकई में गजब खूबसूरत है। और अभी देखते हैं कैसा लगता है। हमें तो जिस हिसाब से बना हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसमें बिल्कुल कोई मसाला भी नहीं डाला हूँ, बस एक जो प्लास्टिक का खुला मसाला मिलता है जो पैकेट वाला, वही मैं डाला हूँ। देख सकते हैं कितना खूबसूरत ग्रेवी निकला है ना, और काफ़ी कम मसालों में बना, बस वही एक डाला हूँ और कुछ भी नहीं डाला हूँ और काफ़ी खूबसूरत। आती है आदित्य भैया पूछने की कैसा बना है, सही सही बताइए। अच्छा बना, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त, डिलीशियस, बढ़िया बना है। हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी 4 बज रहा है यहाँ पे अभी इस समय पे, और रात ही से 2 बजे से बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रहा है। पूरा हमारा इस समय पर हालत एकदम ख़राब हो चुका है। अभी देख सकते हैं ये टेंट के अंदर भी पानी अब धीरे धीरे आने लगा यहाँ पे, लेकिन अब क्या, अब बस ऐसे रात कटा जा रहा है। गुड मॉर्निंग, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का सिचुएशन ऐसा है कि यहीं पे हमने टेंट लगाया था, रात में देखा होगा आपने वीडियो मेरा,
और काफ़ी ज़ोर शोर से बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हुई। हमने नहीं जाना कि अब मेरा सब कुछ भीग जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो केचुआ का टेंट है काफ़ी कती अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ अभी का कितना बारिश हुआ है। रात को देख रहे हैं नीचे उतना सारा बारिश हुआ है, पूरा एकदम सबके घर के आगे सब लग चुका है पानी एकदम। और ये हमारा छत था क्योंकि इस पर भी पूरा पानी लगा हुआ है। और ये हमारा टेंट है जो कि आज हमारे टेंट पे भरोसा हो गया एकदम, बिल्कुल बहुत ही अच्छा हमारा टेंट है। और ये ऐसा सिचुएशन है, अभी अंदर देख सकते हैं एक भी थोड़ा भी पानी नहीं गया। थोड़ा सा यहाँ पर आया पानी, हमें लगा कि यहाँ पर भिजने लगेगा, बट पूरा का पूरा सेफ है। और आज खूब मस्त मैं सोया यहाँ पे, मज़ा आ गया। और थोड़ा सा बिगड़ गया ये चीज़, थोड़ा सा नुकसान हो चुका है यहाँ पे हम लोग का। ये नमक था, तेल था, सब मसाला वगैरह, हमने सोचा कि यहाँ पर पानी नहीं पड़ेगा। और ये रोटी हम लोग का रोटी से तो 8 रोटी है, इसमें 8 रोटी पूरा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे एक रोटी का दाम 10 रुपया है। और यहाँ पर हमने चिकन बनाया था रात को, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही, रोटी तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि 80 रुपया हम लोग का ख़राब हो चुका है। और अब चलते हैं मुँह हाथ धोने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो चुका है। देख सकते हैं इधर साइड में सूर्य प्रकाश भी हो गया है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं जस्ट अभी उठा हूँ, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग से थोड़ा ही से बात कर लेता हूँ। उसके बाद जाऊँगा मुँह हाथ धोने और धो के फिर यहाँ से निकलते हैं। जिनका घर है उनसे भेंट करना है क्योंकि वो आए थे रात को, बोले कि सुबह में मुलाकात करके निकलिएगा। हम बोले सही है, निकलेंगे भाई मुलाकात करके ही आपसे। और अभी कैसे न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमको, बहुत ही जल्दी आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं अपने आप में अपग्रेड कर रहा हूँ वीडियो में। हमको पता है कि हमारे जो वीडियो देखते थोड़ा सा कुछ इश्यू रहता है, कैमरा ज़्यादा सेक करता है, कुछ ऐसा इशू आती है मुझे पता है। मेरे फैमिली के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि आपका कैमरा बहुत ज़्यादा सेक करता है, तो मैं बहुत ही जल्दी उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्दी कुछ नया देखने को मिलेगा आप लोग को, तो प्लीज़ आप लोग हम पे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आप लोग को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।